वज़ीर-ए-आला पंजाब ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए एक माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान कर दिया। उस्मान गुलजार कहते हैं कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के बाद रमजान पैकेज भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुलजार ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया और कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें टिड्डी दल, कोरोना सूरत हाल, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और फ्लड पर ब्रीफिंग दी गई। तमाम अजला में 8.25 लाख हिफाजती गाउन, 7.75 लाख N95 मास्क और दीगर सामान फराहम किया जा चुका है। को कोरोना से निपटने के लिए 2.27 अरब रुपए के फंड बरवक्त फराहम किए गए। उस्मान गुलजार को बताया गया कि बलूचिस्तान और दीगर सूबों से मुमकिन तौर पर आने वाले टिड्डी दल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 28 लाख एकड़ रकबा टिड्डी दल से साफ कराया जा चुका है। वज़ीर-ए-आला ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए एक माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान करते हुए कहा कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए PDMA काबिले कदर किरदार अदा कर रहा है।